हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद मी प्रीति बोरा। तो जैसे कि आपको पता ही है कि पॉलिटिकल थ्योरी का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है एंड ऐसे ही मैं पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो 1 मिनट पॉज करके ये स्लाइड्स देख सकता है, जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं जो कि मैंने इस प्लेलिस्ट में कवर किए हैं। लास्ट मेरा टॉपिक था मार्क्सिस्ट थॉट, जिसमें मैंने नियो मार्क्सिज्म, पोस्ट मार्क्सिज्म, फ्रैंकफर्ट स्कूल, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट एंड कल्चर मार्क्सिज्म, ऐसे बहुत सारे मार्क्सिस्ट थॉट्स कवर करे थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीकल्चरलिज्म, जिसको हम हिंदी में बहुसंस्कृतिवाद भी बोलते हैं। तो ये बहुसंस्कृतिवाद यानी कि मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है? देखिए, अगर इसको हम तोड़ के देख तो ये तीन शब्दों से बढ़ रहा है। फर्स्ट मल्टी यानी कि मल्टीपल, मेनी, अनेक। दूसरा कल्चर यानी कि संस्कृति, हमारा कल्चर। और तीसरा इज्म। इज्म जब किसी चीज के साथ लग जाता है तो ये बड़ी आइडियोलॉजी बन जाती है। आइडियोलॉजी क्या होती है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, तो आप उधर से देखिएगा इसको। तो बहुसंस्कृतिवाद यानी कि जो हमारे इंडिया के केस में, मैं ये आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी, क्योंकि इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, काफी कल्चर है इसमें, काफी वैरायटी है। आप हर तरीके से देख लीजिए, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल। अगर आप ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, सेम स्टेट में एक ही कल्चर में काफी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशन होते हैं, रिचुअल्स होते हैं। तो ये आपस में इतना मिलजुल के क्यों रहते हैं? बिकॉज हम मल्टीकल्चरलिज्म को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम बाकी कल्चर की भी रिस्पेक्ट करते हैं एंड एक टॉलरेंस है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है। देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म को हम एसोसिएट करते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से। आइडेंटिटी किस लिए? क्योंकि कल्चर किसी पर्टिकुलर से रिलेटेड होती है, ऑफ डिफरेंस एंड पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, कि हाँ हम रिकॉग्नाइज करें कि डिफरेंट कल्चर हैं वो अलग हैं, एंड उसमें जो डिफरेंस है ना उसको हम रिस्पेक्ट करें, मतलब एक टॉलरेंस हम में हो, जो कि शेयर करता है एक कमिटमेंट टू री वैल्यूइंग डिसरिस्पेक्टेड आइडेंटिटी। यानी कि जो भी कल्चरल आइडेंटिटीज को आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो उनको वैल्यू कीजिए एंड चेंजिंग डोमिनेंट पैटर्न्स। अब ये कैसे होगा कि अगर हम इसे बड़े स्केल में सबके पास बोलें कि हमारी कंट्री ऐसी है एंड ऐसा ही होना चाहिए, तो वो एक आइडियोलॉजी बन जाती है, वो एक उस पर्टिकुलर स्टेट का नॉर्म बन जाता है एंड फिर वैसे ही सिस्टम फॉलो होता है ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन, जो कि इस मार्जिनलाइज्ड सर्टेन ग्रुप को कर रहे हैं ना उनके अगेंस्ट। यानी कि हमें किसी भी ग्रुप को मार्जिनलाइज नहीं करना चाहिए। इसमें मार्जिनलाइज में देखो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे LGBT ग्रुप हो गया, फिजिकल डिसेबिलिटी वाले लोग हो गए, या फिर कोई एक पर्टिकुलर ट्राइबल कम्युनिटी हो गई, तो ऐसे अलग रेस हो गई, तो उनको काफी जो मार्जिनलाइज करते हो आप, उनको आप उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन करते हो यानी कि भेदभाव करते हो एंड उनके राइट्स उनको प्रॉपर नहीं यूटिलाइज करने देते, तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। और इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि सबको इक्वल, समान सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा मेन जो इंग्रेडिएंट है ना, जिसको हम बोले, वो है डेमोक्रेसी का। यानी कि डेमोक्रेसी का एकमात्र जो सबसे इम्पोर्टेंस है यानी कि सिग्निफिकेंस है, वो है ये है कि वो सबको इक्वल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स देती है। ठीक है, तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है एंड ये भी देखना है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमारा हो रहा है सोसाइटी में, उस वो ढंग से हम उसे एड्रेस करें विद इन डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कल्चरल बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो लिबरल पॉलिटिक्स में, अगर तुम कितने भी लिबरल हो जाओ, कहीं ना कहीं तो होता ही है। और इसीलिए मल्टीकल्चरलिज्म का एम है कि इस वाले डिस्क्रिमिनेशन को हम कम से कम करें, ऑफ माइनॉरिटी कल्चरल कम्युनिटीज, और प्रमोट करें कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो हमारे आर्टिकल 15 भी लिखा हुआ है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 17 में है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, एंड और भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। नेशनल कमीशन फॉर एसटी भी देखता है, नेशनल कमीशन फॉर एससी देखता है कि कोई उनके जो पर्टिकुलर कैटेगरी
कास्ट है उनमें तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा। एंड ये कहा जाता है कि कोई भी जो कल्चर है ना वो फुल्ली ह्यूमन की क्या पोटेंशियल है, क्या उसकी आइडेंटिटी है, फुल फुल्ली तो कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हमेशा हर एक कल्चर कुछ ना कुछ एस्पेक्ट ह्यूमन बीइंग का रिफ्लेक्ट करता है, ना कि वो पूरा उसको रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि ह्यूमन बीइंग में देखो बहुत सारे डायमेंशंस हैं। कल्चरल डायमेंशन ह्यूमन बीइंग की एक डायमेंशन हो सकती है, लेकिन सारी डायमेंशन नहीं हो सकती। अब ये जो मल्टी कल्चरलिज्म है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? देखिए, एक तो ये अम्ब्रेला टर्म है, यानी कि एक सिंगल टर्म है जो कि कैरेक्टराइज करती है मॉरल और पॉलिटिकल क्लेम जो कि होने चाहिए मार्जिनलाइज ग्रुप के। जैसे अब इसमें एग्जांपल देखो, अफ्रीकन हो गए, अमेरिकन हो गए, विमेन, एलजीबीटी पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट से कहीं ज्यादा है कि हम प्लूरलिज्म को वैल्यू करें, कि हाँ हम एडवोकेट करें कि हाँ हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे जो कल्चर है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें सिर्फ एक वर्ग के लोग नहीं रहते, उसमें अनेक वर्ग के लोग रहते हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, तो हमें उनको वैल्यू करना चाहिए। और ये बिल्कुल भी नहीं सिखाता कि बहुत सारे जो डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, और इंडिविजुअल को फेवर करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी एक ही कम्युनिटी की तरफ कमिटमेंट देनी चाहिए। जैसे होता नहीं है कि अगर दो कम्युनिटी के लोग हो तो अपनी अपनी कम्युनिटी को ही सपोर्ट करेंगे, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। एंड देन फिर क्या होता है कि क्लैश, पॉइंट ऑफ क्लैश होता है कि आप ज्यादा लड़ते हो, और उससे क्या होता है, डिसहार्मनी होती है, सोशल जो ऑर्डर होता है वो चेंज होता है। अगर वो चेंज होता है तो देन पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर भी चेंज होता है, एंड ऐसे करके एक अनस्टेबिलिटी आती है सोसाइटी में। तो वो ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए एंड वैसे भी जनरल प्रोग्रेस के लिए बहुत ही बैकवर्ड है। अब हर एक कल्चर है ना इनकॉर्पोरेट करता है डिस्टिंक्ट वैल्यू, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है जो एक्सप्रेस की जाती है उनके मदर कल्चर से, ठीक है, जिसमें वो बिलोंग करता था। अब जो मल्टी कल्चरलिज्म है, इसकी जो पॉलिसीज है ना, उसका मेन एम क्या है कि एंश्योर कराना कि जो माइनॉरिटी कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, उनके कस्टम है, रीति रिवाज है, मतलब इनके इंस्टीट्यूशन है, वो उनको भी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए पब्लिक डोमेन में। तो एक प्लूरल सोसाइटी की क्या नीड है? तो एक प्लूरल सोसाइटी की नीड है कि मल्टीकल्चरल फ्रेमवर्क पॉलिसी होनी चाहिए डेमोक्रेसी के लिए। जो कम्युनिटी की आइडेंटिटीज है ना आर बाउंड टू एंटर इनटू द पब्लिक डोमेन, वो तो पब्लिक डोमेन में आएगी ही आएगी, एंड लोग अपनी पॉलिटिकल लाइफ के इशू को भी अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स से जोड़ के देखते हैं, तभी तो वोट बैंक पॉलिटिक्स इतना होती है। ये किसने कहा था? विल क्रिमलिका। विल क्रिमलिका जो थे वो बहुत ही बड़े प्रोपोनेंट हैं मल्टीकल्चरलिज्म के, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इनके प्रोपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। अब कैसे प्रमोट करा जा सकता है, जो इतनी अच्छी हमारे पास एक आइडियोलॉजी है मल्टीकल्चरलिज्म, उसको हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, दो तरीके हैं। पहला कि डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप, कि सबको डिफरेंशिएटेड जो सिटीजनशिप है वो दें और मतलब रिकॉग्नाइज करें, और दूसरा कि हम उनको डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेशल राइट्स दें, यानी कि एक तो हम उसको सिटीजनशिप भी दें एंड दूसरा राइट्स भी दें। सिटीजनशिप इसमें आइडेंटिटी बेस्ड पे बोला गया है कि आइडेंटिटी राइट्स मिलने चाहिए ताकि जो कल्चर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कम से कम हो। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 है ना, उसमें बताया गया है कि क्या ट्राइबल के राइट्स हैं, कौन कौन से एरिया के, फिर उनको उस हिसाब से थोड़ी ऑटोनॉमी दे रखी है ताकि वो अपने राइट्स एंजॉय कर पाए। आप अंडमान एंड निकोबार में देखेंगे काफी ऐसे ट्राइब्स हैं जो किसी से मिलते नहीं है, स्पेशली सेंटिनलीज, एंड फिर प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर भी ऐसा बना रखा है कि आप उनको डिस्टर्ब ना करें। अब डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल राइट्स भी होते हैं, जैसे कल्चरल राइट्स उनको दो अपने, उनको सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स दो, जैसे कि ट्रेडिशनल जो नहीं होता है कि न्याय पंचायत होती है, उनकी ट्रेडिशनल जुडिशरी सिस्टम होता है। अगर आप शेड्यूल 6 के अंदर देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल है, उसके काफी जो ट्रेडिशनल लॉज है उसके बेसिस पे चलती है वो, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के राइट्स तो उनको, एंड ऐसी आप इसी तरीके से आप माइनॉरिटी कल्चर को और माइनॉरिटी कल्चर इंस्टीट्यूशन को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एंड अगर आपने उन्हें रिकॉग्नाइज कर लिया, उनको राइट्स दे दिए, देन फर्दर आप डिस्क्रिमिनेशन कम कर सकते हो। अब नॉन डिस्क्रिमिनेशन के स्टेप्स देखिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो एम करता है कि मिनिमाइज करे, कम से कम करे डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, माइनॉरिटी कल्चरल कम्युनिटीज का, ताकि वो प्रमोट करा सके आइडियल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन,
अंडर अ डेमोक्रेटिक सेटअप, यानी कि डेमोक्रेसी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है ये सब काम के लिए, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारे बेसिस पे होता है, जैसे रिलीजन, जेंडर, कास्ट, रेस, ये तो मैंने जस्ट कुछ लिस्ट डाउन किए हैं। ऐसे बहुत सारे बेसिस है जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, और हमें ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है ना, वो भी एक सोर्स हो सकता है मार्जिनलाइजेशन का। आप देखिए, कोई कल्चरल आइडेंटिटी में अगर कोई सुपीरियर कास्ट से बिलोंग करता है एंड सुपीरियर कल्चर से बिलोंग करता है उनके हिसाब से, वैसे ऐसा कुछ सुपीरियर एंड इन्फीरियर नहीं होता, एंड वो अपनी आइडेंटिटी से इतना एसोसिएटेड है कि वो जो इन्फीरियर हैं उनको वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनको वो डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तो ऐसे भी होता है। एंड जो एक्शन है लिबरल स्टेट का, में डिसएडवांटेज मेंबर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, और इस मामले में वो उल्टा पड़ जाता है उनके अगेंस्ट, बिकॉज उससे डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता ही है। और अब देखते हैं मल्टीकल्चरलिज्म और कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो रिकमेंड करता है एक पॉलिसी जिससे हम एनहेंस करा सके कल्चरल डाइवर्सिटी। जैसे हमारा है ना इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वासुदेव कुटुंबकम वाली जो पॉलिसी हम फॉलो करते हैं, तो प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना, ये दो फ्रंट पे चलता है कल्चरल डाइवर्सिटी का। एक तो हमें उनके इंटरेस्ट प्रमोट करने हैं, ठीक है, और दूसरा हमें उनको प्रोटेक्ट भी करना है नॉन डिस्क्रिमिनेशन से, उनके अगेंस्ट जो भी एक्सप्लॉयटेशन है उससे, कोई इनजस्टिस हो रहा है उससे। एंड यही प्राइमरी वैल्यू है जो मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर है, और इसमें हम स्ट्रांगली फेवर करते हैं कि जो माइनॉरिटी डिस्क्रिमिनेशन है ना उसको मिनिमाइज करें, उसे कम से कम करें, और ऐसी कंडीशंस बनाएं, पैदा करें कि जो माइनॉरिटी कल्चर है वो सरवाइव भी करे एंड ऊपर से वो फ्लरिश भी करे, यानी कि और बढ़े। और जो भी पॉलिसीज है ना प्रमोट जो करती है डाइवर्सिटी, और तो वो हमेशा कर्ब करती है, यानी कि कम करती है या हटाती है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन होता है कि एक ही कल्चर, जैसे हम बिलीव करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्स होके भी हम यूनिटी में हैं, तो बट ऐसे होता है कि कई कंट्रीज में ये फॉलो किया जाता है यूनिटी इन वन कल्चर, यानी कि यूनिटी इन होमोजेनिटी, मतलब कि किसी एक कल्चर में उसको ज्यादा फॉलो करते हैं कि सब लोग एक ही कल्चर में हो। अगर वो वैसा नहीं होता तो फिर उनको स्कूलिंग के द्वारा, यानी कि प्रोपोगेंडा, एजुकेशनल प्रोपोगेंडा, बाकी सब प्रोपोगेंडा के द्वारा सब लोग को एक जैसा बनाता है, यानी कि यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी उनका मानना है, बट वो अगेंस्ट है, बिकॉज वो आपके एक तो राइट्स के अगेंस्ट है कि आप चूज कर सकते हो कोई भी कल्चर, और दूसरा वो ये जो माइनॉरिटी कल्चर है उसके अगेंस्ट है, बिकॉज जो सुपीरियर कल्चर होगा उसी को तो प्रेफरेंस देंगे यूनिफॉर्मिटी में। तो इसलिए हमें जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको वैल्यू करना चाहिए। अब मल्टीकल्चरलिज्म वर्सेस लिबरलिज्म बहुत बड़ी डिबेट है। देखिए, लिबरलिज्म का क्या फोकस होता है, इसका फोकस होता है इंडिविजुअलिटी पे, यानी कि इंडिविजुअल पे बट कम्युनिटी में नहीं। इसका इतना मानना है कि जो इंडिविजुअल है उसको अपने राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो उनकी फ्रीडम प्रोटेक्ट होनी चाहिए, एंड वो मेनली स्टेट के अगेंस्ट होते हैं, और एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ कम्युनिटी, अगर कम्युनिटी उसको अगेंस्ट कर रही है तो उसके भी। लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म का स्टैंड बिल्कुल अलग है, वो क्या, वो इसको बल्कि चैलेंज करता है। वो बोलता है कि जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ है, कि जितना हम जैसे खुद को पहचानते हैं, हमारी जो खुद की आइडेंटिटी है, और फेवर्स मेंबरशिप ऑफ अ कल्चरल कम्युनिटी, वो हमारे किसी सोसाइटी से ही एसोसिएटेड है, और वो ही इंडिविजुअल के लिए वैल्यूएबल है, यानी कि हम अकेले कुछ नहीं है, हमारी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है कि हम किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए हमें कल्चरल जो कम्युनिटी है उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए इंडिविजुअल से। इनका ये भी आर्ग्यूमेंट का पॉइंट है कि जो कम्युनिटी है ना, कि जो कम्युनिटी आइडेंटिटीज हैं वो इकट्ठे एक पब्लिक डोमेन में सरवाइव करती हैं, एंड लोग अपनी पॉलिटिकल लाइफ को उसमें लेके आते हैं, ठीक है। इसका मतलब यही है कि अगर एक कम्युनिटी होगी, कल्चरल कम्युनिटी होगी, आप उधर से एसोसिएटेड होगे, तभी आपके राइट्स रिकॉग्नाइज करे जाएंगे पॉलिटिकल स्फेयर में, अदरवाइज नहीं। और इस पे विल किमलिका का कहना है कि जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल्स को ब्रैकेट करना, यानी कि इंडिविजुअल्स को एक ग्रुप में क्लब करना, इकट्ठे कर देना उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के बेस में, तो हम उनको डिराइव करते हैं ऑफ समथिंग दैट दे आर रीजनेबल एंटाइटल्ड टू। यानी कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिविजुअल्स अपनी ये आइडेंटिटी को साइड रख के सब कुछ कर लें, तो हम उनको एक ऐसे एटमॉस्फेयर में, एक ऐसी सोसाइटी में एंटर कराते हैं जहां पे
उनके जो राइट्स है वो उनको नहीं मिल रहे, यानी कि जो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है वो उनके बेसिक राइट्स होने चाहिए एंड रीजनेबल उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए. और अगर हम उनको ऐसे ब्रैकेट कर देंगे कि नहीं आप ये कल्चरल से एसोसिएटेड नहीं हो, आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल हो, तब हम उनको उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स से डिफिशिएंट करवा देते हैं. अब चैलेंजेस क्या है मल्टीकल्चरलिज्म के सामने, तो एमी गटमैन ने बोला था कि डिफरेंस और कंफ्लिक्ट देखिए होते रहते हैं. तो और ये किससे एसोसिएटेड होते हैं, ये एसोसिएटेड होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस से, कि कितना किसको किस हिसाब से जस्टिस मिला है. अब जस्टिस अगर हम कल्चर की बात करें सबके लिए अलग अलग होता है, तो यानी कि जब हम जस्टिस की बात करते हैं तो हमें रियलाइज करना चाहिए सोशल जस्टिस, यानी कि कई जो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, कई जो कल्चर हैं उसमें उनके जस्टिस के पैरामीटर्स अलग होते हैं, इथिक्स अलग होते हैं, उनके नॉर्म्स अलग होते हैं. हर एक कल्चर का अपना एक तरीका होता है चीजें देखने का, करने का और सोचने का चीजों के बारे में. और सबके पास अपने सेट्स होते हैं सोशल अंडरस्टैंडिंग के. इसका मतलब हम डिफरेंस जो करते हैं ना वो तो होगा ही, मतलब अगर सबके अगर नॉर्म्स अलग अलग होंगे तो सब में डिफरेंस है. जो जस्टिस किसी के लिए सही है एंड बिल्कुल जस्टिस है एक कल्चर के हिसाब से, जरूरी नहीं है कि वो दूसरे के लिए भी हो. कि अपने अपने इथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं एंड यील्ड कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स, यानी कि कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स निकल सकती है सेम केस पे, सेम किसी इशू पे, क्योंकि लोग डिफरेंट कल्चर में रहते हैं बट वो इंटरैक्ट भी करते हैं. तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है मल्टीकल्चरलिज्म के सामने कि उनकी डाइवर्सिटी क्या है एंड उसके हिसाब से उनका स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस, उनका इथिकल स्टैंडर्ड्स, उनका सोचने का तरीका, उनका चीजें करने का देखने का तरीका ये कैसा है, एंड क्या वो एक दूसरे से कॉपरेशन वाली स्टेज में है कि कॉम्पिटिशन वाली स्टेज में है. अब ये जो कल्चरल रिलेटिविज्म है ना, रिलेट करना यानी कि किसी के रिलेशन में देखना, ठीक है, और लैक ऑफ यूनिवर्सल कंसेंसस, यूनिवर्सल कंसेंसस मतलब जो जन मत होता है, मतलब किसी एक चीज में सबकी सहमति, वो अगर नहीं है तो क्या होता है, तब सबसे ज्यादा दिक्कत होती है अगर हम एक सिंगल व्यू देखें सोशल जस्टिस का. तो क्योंकि ऐसे तो हम जस्टिस सिक्योर ही नहीं कर सकते. एंड एमी गटमैन रिजेक्ट करती है कि ये जो डोमिनेंट सोशल अंडरस्टैंडिंग है ना, कि जो मेजोरिटी वाले लोग हैं उनका कल्चर उसके हिसाब से जस्टिस होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. बिकॉज इसमें जो जस्टिस है वो ऐसे नहीं गवर्न होना चाहिए कि आप डोमिनेंट पोजिशन में हो तो आप कुछ डिसीजन ले लो. तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है सुपीरियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी वाला, एंड कल्चरल रिलेटिविज्म चैलेंज है, लैक ऑफ यूनिवर्सल कंसेंसस चैलेंज है. और इन्होंने एक लाइन भी बोली थी कि जब हम प्री सपोज करते हैं कि एक सिंगल शेयर्ड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है तो वो प्री सपोजिशन बिल्कुल फॉल्स होती है, यानी कि जब हम मानते हैं कि एक सिंगल शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता बिकॉज सारे कल्चर इतने वेरिड हैं, तो वो सिंगल शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी. और हम रिलाई करते हैं हम ऑन डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग, कि हम सोचते हैं कि सबका एक ही मत है और हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं कि जो सुपीरियर है उसके अंडरस्टैंडिंग सबसे बेस्ट है, तो अब वही सब में अप्लाई कर दो. तो ये सबसे ज्यादा डेंजरस सिचुएशन है, इसलिए कल्चरलिज्म फेल हो जाता है मल्टीकल्चरल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बहुत सारे प्रोपोनेंट पढ़ेंगे एंड क्रिटिसिज्म टू मल्टीकल्चरलिज्म भी पढ़ेंगे इसके. तो दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप वो वहाँ मेरे चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं. एंड प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें. कुछ भी सजेशन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट करके बताइए. थैंक यू गाइज, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे.